हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपको देने जा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये वो क्वेश्चन हैं, और इसी के पैटर्न पर भी, ठीक है ना, इसी के पैटर्न पर ही जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी आएंगे। और इससे पहले भी मैंने आपको क्लास ट्वेल्थ के लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं फर्स्ट चैप्टर के वो दे रखे हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि क्लास ट्वेल्थ के लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और थ्योरी जो पार्ट होता है वो अक्सर स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन जो दिक्कत आती है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में ही आती है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है वो वन बाई वन मैं समझा रहा हूँ आपको, और ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाए जाएंगे, केवल इतने ही बनाए जाएंगे जिससे आपको बोरिंग महसूस ना हो, ठीक है ना, और आपको मटेरियल भी अच्छी तरह पहुँच जाए। तो चलो चलो मैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर का ही, कि दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमश प्लस 5 × 10⁻¹⁹ कूलाम तथा प्लस 10 × 10⁻¹⁹ कूलाम 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है ना। दो आवेश रखे हैं और उन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, और आपसे बोला है कि दोनों आवेश अगर मिलाए जाएँ तो उसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है, ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ आपको। तो देखो, ये अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ, आपको बताऊँ कि आखिर इसकी पोजीशन क्या होगी, तो देखो ये होगी इसकी पोजीशन। एक तो यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस 5 × 10⁻¹⁹ कूलाम का, और दूसरा जो आवेश रखा है, चार्ज रखा है, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, तो यहाँ रखा है 10 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ये दोनों आवेश रखे हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले पॉइंट को मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है हमारा वो बी है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 1 मीटर, ये आपको दे रखी है 1 मीटर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखो, दोनों आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी कि ये आपस में रिपल कर रहे होंगे। तो जहाँ आपको चेक करना है कि तीव्रता शून्य होगी, तो देखो हमने मान लिया कि 5 × 10⁻¹⁹ कूलाम से यहाँ पर तीव्रता शून्य होगी, मान लो पी बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी, और हम ये जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो उसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, यहाँ पे हमने मान लिया यूनिट चार्ज प्लस का 1 कूलाम का चार्ज। अब देखो सुनो, प्लस का चार्ज इस प्लस के चार्ज को रिपल करेगा, तो जो A के कारण P पर तीव्रता है वो इधर होगी, A के कारण P पर तीव्रता, प्लस का चार्ज प्लस के चार्ज को रिपल करेगा, और ऐसे ही ये जो प्लस का 10 × 10⁻¹⁹ कूलाम का चार्ज है ये इसको इधर रिपल करेगा, तो ये हो जाएगा आपका E B से P की तरफ। और जब ये दोनों तीव्रताएं बराबर हो जाएंगी, तीव्रता क्या होती है, बल, तो अगर जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो ये जो होगा वो बैलेंस पोजीशन में होगा, है ना, संतुलन की अवस्था होगी। तो देखते हैं इसको, अगर इसको बैलेंस करें तो ई बी पी और ई ए पी, इन दोनों की वैल्यू बराबर, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र रखिए, क्या हो गया आपका बी और पी के बीच में, ये हमने दूरी एक तरफ से आर मान ली, दूसरी तरफ से कितनी हो गई 1 − r, ये वाली दूरी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 1/4πε0 q का मतलब ये आवेश 10 × 10⁻¹⁹
और ये दूरी 1 - r का होल स्क्वायर, 1 - r का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए से पी तक के लिए ये हो जाएगा 1/4πε0, क्यू की वैल्यू हो गई 5×10⁻¹⁹, 5×10⁻¹⁹, और दूरी का होल स्क्वायर, दूरी हो गई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो देखो कैंसिल आउट करो लेफ्ट और राइट को, 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल आउट, 10⁻¹⁹ से 10⁻¹⁹ कैंसिल, और ये 5 से 10 को कैंसिल किया तो दो बार, 5 × 2 = 10, तो 2/1 - r का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया 1/r², ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ का रूट ले लेते हैं। जब रूट ले लेंगे तभी तो ये स्क्वायर हटेगा, हमें तो r की वैल्यू चाहिए। तो देखो रूट लेने के बाद ये तो हो जाएगा इसका वर्गमूल √2, और ये हो जाएगा 1 - r, होल स्क्वायर था तो स्क्वायर हट गया, और ये बचा 1/r, ठीक है ना, ये बचा। अब यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो गया आपका √2r = 1 - r, और माइनस आर को लेफ्ट में ले जाते हैं प्लस का आर, तो √2r + r = 1, आर इसमें से कॉमन ले लो तो ये हो गया √2 + 1 = 1, या r = 1/√2 + 1, √2 + 1, ठीक है ना, ये हो गया इसका। r की वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी, लेकिन अभी ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर में √2 + 1 है। इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको रेशनलाइज कर दो, क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो इसका, और रेशनलाइज देखो यहाँ मैं करता हूँ इसमें, इसको रेशनलाइज करते हैं तो r = हो गया 1/√2 + 1, इसका रेशनलाइज किया तो नीचे के जो ये जो प्लस है इसके कॉन्जुगेट का इंटू करते हैं, इसके ऊपर नीचे साइन चिन्ह बदल कर गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा आपका √2 + 1 है तो यहाँ −1/√2 - 1, तो ये हो गया यहाँ √2 - 1 का इंटू 1 से, तो √2 - 1/ ये a + b a - b, ये फॉर्मूला बना a + b a - b, √2 + 1 √2 - 1, तो ये हो गया √2 2 - 1, ठीक है ना। तो यहाँ हुआ आपका √2 - 1/√2 2 - 1, यानी कि 1, √2 - 1 बचा, और √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, इसको आगे करते हैं 1.414 - 1, तो ये हो गया आपका 0.414 मीटर, ठीक है ना। तो ये दूरी है, इस दूरी पर हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो r निकल के आई वैल्यू, r की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, r की वैल्यू निकल के आई 0.414 मीटर, ठीक है ना। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में इसका मान आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करके 41.4, 100 का इंटू करेंगे दो नंबर इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो 41.4, ठीक है ना, सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है 41.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। तो जो आपसे पूछा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे शून्य होगी, तो 5×10⁻¹⁹ कूलाम के चार्ज से 41.24 यानी कि 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है ना। और दोस्तों ये मैं बता दूँ आपको कि जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार जो क्वेश्चन है वो दिए जा सकें, जिससे आपको, आप और हम दोनों जुड़ सकें इस चैनल से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन शुरू करता हूँ मैं, इसको रब करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, ये जो है छोटा क्वेश्चन है आपका, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, 5×10⁻¹⁹ कूलाम
आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। चार्ज कितना है? 5×10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, आपसे पूछा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, और क्या क्या दे रखा है? आवेश दे रखा है और उस पर लगने वाला बल ज्ञात दे रखा है आपको। तो देखो क्या गिवन है, एक तो आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज को हम इलेक्ट्रिक चार्ज को विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। तो 5×10⁻⁴ ठीक है ना, कूलाम का चार्ज, और कितना फोर्स है? 2.25 न्यूटन का फोर्स है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो हमें पता है कि एकांक कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल ठीक है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो देखो तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E equal to F upon Q। F की जो वैल्यू है वो 2.25 और Q की है 5×10⁻⁴। माइनस फोर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं ऊपर, तो और इसको कैंसिल करते हैं। तो चलो पहले मैं इसको ऊपर ही ले जाऊँ, न्यूमरेटर में ले जाता हूँ 10⁴। अब इसको 5 से जब कैंसिल करोगे ना तो 5 से हो जाएगा 0.4 और 20 × 5 = 25 फाइव टाइम। तो ये हो गया अपना 0.45 × 10⁴ ठीक है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो पॉइंट को अगर राइट साइड में ले जाओगे, राइट साइड में ले जाने पर माइनस की पावर बढ़ती है, माइनस की पावर बढ़ेगी तो ये प्लस की पावर जो होगी वो घट जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 4.5×10³। और इसका जो मात्रक होगा वो होगा, देखो F की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो इसका ये आंसर है 4.5×10³ न्यूटन पर कूलाम, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आपके, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे लगातार आपको क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू।